वहीं कोरिया वन मंडल क्षेत्र की अवैध कोयला सुरंगों को बंद करने वन विभाग, पुलिस और एएसआईएल की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि जिले के दूरस्थ वन क्षेत्र में कोयला उत्खनन के लिए अवैध सुरंगों के निर्माण की जानकारी मिलने पर पूरे अमले कार्रवाई में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक वन मंडल कोरिया परिक्षेत्र बैकुंठपुर के ग्राम दामुच में अवैध कोयला उत्खनन के लिए सुरंग बनाने की जानकारी मिलते ही वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई कर सुरंगों को तत्काल बंद कराया गया। कार्रवाई के दौरान वन मंडलाधिकारी प्रभाकर खलको ने कहा कि विगत 4 माह में 24 सुरंगों को बंद करने की कार्रवाई की गई है। इसके तहत ही उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि सुरंग बनाना पूर्णतः खतरनाक है, इससे जान माल के नुकसान होने की आशंका बनी होती है। हमने जनवरी से लेके अभी तक लगभग 24 सुरंगों को बंद किया है और गांव के आसपास के जो वन क्षेत्र हैं वहाँ पे लोग सुरंग बना के निकालते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह के काम को हम प्रतिबंधित करें, लेकिन फिर भी रात में कभी कभी गांव के लोग जाके निकालते हैं जो काफ़ी ख़तरनाक है। तो इस संबंध में हमने लगातार कार्रवाई की और लगभग 24 खदानों को हमारे वन विभाग के हमारा मंगल साय है डिप्टी रेंजर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनके साथ फिर SECL की टीम है, माइनिंग सरदार और पुलिस की टीम, SECL पुलिस और वन विभाग तीनों की टीम बनाकर हमने कार्रवाई की थी, तो अच्छी सफलता मिली है अभी तक और कोशिश करेंगे हम कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई करते रहें और किसी तरह का सुरंग ना बनने पाए, ये हम कोशिश करेंगे। और ग्रामीणों से मैं अपील करती हूँ कि इस तरह की सुरंग बना के खतरनाक काम ना करें, इससे जान माल के नुकसान हो सकता है और जान भी जा सकती है, तो जान जोखिम में डालकर ऐसे खतरनाक काम ग्रामीण भाई ना करें।